हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सिटी नीट यूट्यूब चैनल। तो हमारे चैनल पे आप एक बार ज़रूर विजिट करें। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अगर आप पूरी सीरीज देख रहे हैं तो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा और थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन NCERT 12th बुक जो है वो आप 12th बुक खोल लीजिए। आप चैप्टर नंबर सेकंड में जाइए। कौन से चैप्टर? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेकंड चैप्टर में आप आएंगे तो इस वीडियो में हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन देख लेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन देख लेंगे, इंडोस्पर्म के बारे में पढ़ लेंगे, एम्ब्रियो के बारे में पढ़ लेंगे और काफ़ी में, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे, डॉर्मेंसी के बारे में पढ़ लेंगे और कुछ जो भी पार्ट बचेगा इसमें, जैसे एपोमिक्सिस हो गया, फिर उसके बाद पॉलीएम्ब्रियोनी हो गया और पार्थिनोकार्पिक हो गया, ये सब हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस कर ही लेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, जितने स्टूडेंट देखें वो ज़रूर लाइक करें, वीडियो को लाइक करना कंपलसरी है। तो वीडियो को लाइक 100% करें। तो चलिए इस वीडियो में, अगर ये आप लोग पूरी सीरीज देख लेते हैं, तीन चार वीडियो, चौथा नंबर ये वीडियो है, तो आप इस चैप्टर के एकदम समझिए कमांड आपका हो जाएगा और क्वेश्चन मैं 100 क्वेश्चन करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा इस चैप्टर से। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आई होप उनका 2022 में जब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो अच्छे नंबर गेन करें। तो चलिए हम लोग पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल सीख लेते हैं, ये इंग्लिश भी है और आगे चल के अभी हिंदी भी मिलेगी, तो दोनों कराएंगे। जैसे देखिए, क्वेश्चन के फॉर्म में सभी ये कॉन्सेप्ट पूछे ही गए हैं, तो थ्योरी क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो सभी क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं। तो चलिए ये देखिए, मेगा स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन। फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन में मेगा स्पोर जो होता है फर्स्ट सेल होता है। तो ये देखिए, हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, अभी आगे भी पढ़ेंगे। ये देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये सब फीमेल पार्ट है, ये पूरा एक पिस्टिल बनाया गया है, एक कार्पल, ये पूरा एक पिस्टिल बनाया गया है, एक कार्पल बनाया गया है, या पिस्टिल बोलिए कार्पल बोलिए। अब पिस्टिल में क्या क्या होता है? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है एंड ओवरी होता है, और ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होते हैं। तो तीन चीज़ें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, किस में होता है? एक पिस्टिल में। तो देखिए, काफ़ी बार क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पिस्टिल में क्या क्या होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होते हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्टिग्मा का फंक्शन क्या होता है, स्टिग्मा कहाँ पे होता है? स्टिग्मा अपर मोस्ट पार्ट पे होता है पिस्टिल के, और ये क्या करता है, ये पॉलन ग्रेन कहाँ पर जर्मिनेट होता है? स्टिग्मा पर। ये चीज़ हो गया, 4-5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके। स्टाइल क्या है? स्टाइल एक लॉन्ग इलांगेटेड भाग है, और ये क्या कैरी करता है? मेल गैमेटोफाइट को। मेल गैमेटोफाइट यहीं पे तो क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन यहीं पे होता है, यही तो मेल गैमेट, दो मेल गैमेट को लेके आती है कहाँ तक? एम्ब्रियो सैक तक। और ये देखिए, ओवरी भी है, ओवरी कहाँ पे होता है? बेसल ब्लड पार्ट ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड ओवरी। व्हिच गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल, अगर कोई भी गाइनोसियम है, जैसे कार्पेल है, वो सिंगल पिस्टिल उसमें रहेगा तो उसको मोनोकार्पेलरी बोलते हैं, और कोई भी गाइनोसियम है जिसमें टू पिस्टिल या मेनी पिस्टिल रहेंगे तो उसको मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स, ये तो आप जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो सब चीज़ जान जाएंगे आज इसी वीडियो में। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तो ये देखिए, एराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द, ये देखिए, मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। ये देखिए, ओव्यूल्स कहते हैं मेगास्पोरेंजिया को। ये देखिए, सिंकार्पस, मोर देन वन पिस्टिल फ्यूज टू ईच अदर, अगर एक से अधिक, मोर देन वन पिस्टिल, एक से अधिक पिस्टिल फ्यूज हो जाए आपस में तो उसको सिंकार्पस कहते हैं। और एपोकार्पस कब बोलते हैं? जब पिस्टिल आर नॉट फ्यूज ईच अदर, जब पिस्टिल फ्री एकदम रहेंगे, ना ही किसी से फ्यूज नहीं रहेंगे, तो उसको एपोकार्पस बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सिंकार्पस के एग्जाम्पल बताइए, एपोकार्पस के एग्जाम्पल बताइए, एपोकार्पस किसको कहते हैं, सिंकार्पस किसको कहते हैं, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये देखिए, फ्यूनिकल किस में होते हैं? ओव्यूल में। ओव्यूल में फ्यूनिकल होते हैं, हाइलम होता है, ये सब होते हैं। तो फ्यूनिकल जो होता है, इट इज ए स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर व्हिच अटैच टू ओव्यूल विथ प्लेसेंटा।
ओव्यूल्स प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा होता है, किसके थ्रू जुड़ा होता है, फ्यूनिकल के थ्रू, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाइलम क्या होता है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विथ फ्यूनिकल, जो फ्यूनिकल होता है ना ओव्यूल्स में जिस पॉइंट पे आके जुड़ता है, जिस पॉइंट पे आके जुड़ता है, जैसे इस पॉइंट पे आके जुड़ा ये ओव्यूल हो गया और ये आपका क्या हो गया, ये फ्यूनिकल हो गया, ये आके जुड़ता है, इसी पॉइंट को हाइलम कहते हैं। सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। इट इज जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के जंक्शन को हाइलम कहते हैं। सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। मैं एक चीज बता दूं, ओ बी यू एल ई एस, ओव्यूल्स आप पढ़िए, ओव्यूल्स सीड, बाद में यस आता है ना, तो ओव्यूल्स से क्या बनता है, सीड। ओव्यूल्स जब ओव्यूल्स में जब फर्टिलाइज होगा, ओव्यूल्स फर्टिलाइज होकर क्या बनाता है, सीड बनाता है, तो ओव्यूल्स सीड। ऐसे ट्रिक के कॉन्सेप्ट से याद करेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे। तो चलिए और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे देखिए एनजीओ स्पर्म में टू इंटेगुमेंट होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। जिम्नो स्पर्म, जैसे जिम्नो स्पर्म प्लांट का ये प्लांट है, साइकस पाइनस, इसमें सिंगल इंटेगुमेंट होता है, थ्री लेयर प्रेजेंट होती है। जैसे देखिए ये देखिए ओव्यूल्स, ये आगे आपको दिख भी रहा होगा, ये चीज़ देखिए ओव्यूल्स, ओव्यूल्स फर्टिलाइज होकर सीड बनाएगा। अब टू सीड कोट इसमें होता है, सीड कोट होता है, आउटर टेस्टा और इनर टेगमा टेगमेन। अब ये सब क्लियर होगा। ये देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो ओव्यूल्स के अंदर माइक्रोपाइल होता है उसका फंक्शन क्या होता है। तो अगर जो ओव्यूल्स के अंदर रहेगा तो ओव्यूल्स के अंदर माइक्रोपाइल के थ्रू क्या पॉलन ट्यूब जो होता है मेल गैमेट को लेके आता है, उसी के अंदर एंट्री करता है, तो माइक्रोपाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब इंटर करता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि माइक्रोपाइल ओव्यूल में पाया जाता है कि सीड में, तो ओव्यूल और सीड में माइक्रोपाइल दोनों में पाया जाता है। ये जान लीजिए कि ओव्यूल और सीड में दोनों पाया जाता है। ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल पाया जाता है उसके थ्रू पोलन ट्यूब इंटर करेगा, और जो सीड में माइक्रोपाइल पाया जाता है उसके थ्रू वाटर और ऑक्सीजन इंटर करता है, तभी तो सीड जाके जर्मिनेट होगा। तो ये चीज क्वेश्चन पूछा गया है कि सीड में जो माइक्रोपाइल पाया जाता है उसके थ्रू क्या इंटर करता है, तो वाटर, ये देखिए वाटर लिखा है, वाटर एंड ऑक्सीजन लिख लीजिए। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि स्मॉलेस्ट फ्लावर का नाम पूछा गया है वल्फिया, लार्जेस्ट फ्लावर रिफ्लेसिया अर्नोल्डी, नेशनल फ्लावर कौन सा है नीलम्बो न्यूसीफेरा, जिसको लोटस कहते हैं। नेक्स्ट एंथोलॉजी, एंथोलॉजी के अंदर क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, जब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लगाएंगे ना तो सभी क्वेश्चन, एक भी ऐसा इसमें लाइन नहीं लिखा गया है जो क्वेश्चन ना पूछा गया हो। फ्लावर ऑफ हाईली कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड शूट हैविंग नोड एंड इंटर नोड, ये देखिए पिस्टिल या कार्पल को क्या कहते हैं, गाइनोसियम, गाइनोसियम गाय जो देखे हैं ये क्या होती है, पिस्टिल एंड कार्पल फीमेल पार्ट होते हैं, पिस्टिल और कार्पल, जिसमें क्या आता है पिस्टिल में, एक पिस्टिल में स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी आता है, और ओवरी में प्लेसेंटा और ओव्यूल्स तो होते ही हैं, तो स्टिग्मा स्टाइल एंड ओव्यूल किसके पिस्टिल में होते हैं। ये देखिए स्टमेन एंड्रोसियम, एंड्रोसियम क्या होता है, एंड्रोसियम जो होता है ये मेल पार्ट होता है एंड्रोसियम, और गाइनोसियम जो होता है ये फीमेल पार्ट होता है, ये फीमेल का सिंबल है, ये मेल का सिंबल है, ये भी आप लोग जान ही रहे होंगे, नहीं जान रहे होंगे तो अभी तो जान गए होंगे ना। तो ये देखिए एंथर और फिलामेंट, ये स्टेमेन होते हैं, स्टेमेन में क्या होता है एंथर होता है और फिलामेंट होता है, जैसे ये फिलामेंट हो गया और ये आपका एंथर हो गया, एंथर जो होता है बाइलोब होता है, और एंथर में ही पोलन ग्रेन आपके होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, जो ये एंथर जब फटेगा तो ये पॉलन ग्रेन निकलता है, फिर एक फ्लावर में क्या होता है, एक फ्लावर में ये मान लीजिए एक फ्लावर में स्टिग्मा है, अब ये फ्लावर है, अब ये फ्लावर है, ये देखिए ये आपका क्या गया, ये आपका फिलामेंट गया, ये एंथर हो गया, इधर फिलामेंट गया, ये एंथर हो गया, ये देखिए ये आपका क्या है स्टेमन है, स्टेमन है और स्टेमन पे स्टिग्मा है, अब यहाँ से एंथर में फटेगा पोलन ग्रेन, यहाँ पे आके फिर जर्मिनेट हो जाएगा, तो ऐसे तो क्रिया होती है। तो एंथर और फिलामेंट, स्टेमन में एंथर और फिलामेंट होते हैं। ये देखिए पेरियंथ, पेटल्स एंड सेपल्स, पेटल्स को क्या बोलते हैं क्रोला बोलते हैं, सेपल्स को क्या बोलते हैं कैलिक्स बोलते हैं, ये सब फ्लावर्स के एसेसरी आर्गन होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए, किसी भी पक्षी को हो गया, कीड़े के हो गया, जो कीट्स होते हैं इंसेक्ट होते हैं। ये देखिए फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, क्वेश्चन पूछा गया है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होती है, तो फ्लावर्स होती है।
ये देखिए नेक्स्ट, इट इज मीन्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ये देखिए ये टिपिकल फ्लावर, एक टिपिकल फ्लावर्स हैज फोर डिफरेंट काइंड ऑफ होल्स। एक टिपिकल फ्लावर्स जो होते हैं उसके चार होल्स होते हैं, अरेंज होते हैं सक्सेसिवली ऑन द सोलन एंड ऑफ द स्टाल पेडिसल कॉल्ड थैलमस रिसेप्टिकल। अभी सभी एकदम क्लियर हो जाएंगे। देखिए एक फ्लावर आप अच्छे से देखिए, ये एक फ्लावर बनाया गया है। अब ये देखिए एक फ्लावर अच्छे अच्छे से आप ऐसे अपने नोट्स बुक्स में बना सकते हैं, काफ़ी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। जैसे ये फूल एक लीजिए बनाइए और इसमें चार होल बनाइए, तो ये देखिए ये आपका थैलमस है, ये पूरा जो है ये थैलमस बनाया गया है, और थैलमस ये आपका कैलिक्स बनाया गया है जिसको सेपल्स कहते हैं, और ये रेड वाला कोरोला बनाया गया है जिसको पेटल्स कहते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, क्रोला और कैलिक्स क्या हैं, ये एसेसरी आर्गन हैं। अब ये देखिए ये आपका एंड्रोसियम हो गया, एंड्रोसियम मीन्स क्या, मेल पार्ट जिसको स्टेमन कहते हैं, ये देखिए मेल लिखा भी गया है। ये देखिए जो गाइनोसियम है जो स्टेमन है, और ये आपका क्या स्टिग्मा बनाया गया है, ये गाइनोसियम है। गाइनोसियम कार्पेल कहिए या पिस्टिल कहिए या मेगा स्पोरोफिल कहिए, तो ये चीज़ हो गया मेगा स्पोरोफिल। अब ये रिप्रोडक्टिव आर्गन है, रिप्रोडक्टिव आर्गन कौन कौन से हो गए, गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम, ये रिप्रोडक्टिव आर्गन ऐसे एकदम सेम आप लिख लीजिए। अब ये देखिए पेडिसिल स्टाल्क ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के स्टाल्क जो होता है ना उसको पेडिसिल कहते हैं, पेडिसिल का डिफिनेशन ही है स्टाल्क ऑफ द फ्लावर को क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए एक ब्रेक्ट होता है, थोड़ा सा ये निकला रहता है ना, तो ये ब्रेक्ट होता है। रिड्यूज लीफ, लीफ जो पत्ती होती है ना जब एकदम रिड्यूज होकर छोटी सी हो जाती है तो उसी को ब्रेक्ट बोलते हैं। सब क्वेश्चन है पूछे गए हैं, जब आप क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लगाएंगे ना तो सभी ये क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दिखेंगे। ये देखिए आउटर से लेके इनर तक देखिए, आउटर में क्या होता है कैलिक्स, फिर उसके बाद क्रोला होता है, एंड्रोसियम होता है, गाइनोसियम जो फीमेल पार्ट होता है ना एकदम अंदर होता है, आप देख भी सकते हैं। ये देखिए एकदम अंदर आपको दिखेगा गाइनोसियम, ये पहले इधर की तरफ जाएगा तो अंदर एकदम गाइनोसियम होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग काफ़ी चीज़ें और कवर करते हैं। पार्थिनोकार्पी, अब पार्थिनोकार्पी क्या चीज़ होती है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलप हो जाए, फल बन जाए डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट बनता है उसी को कहते हैं पार्थिनोकार्पी। अगर पार्थिनोजेनेसिस होता तो ऑर्गेनिज्म का बनना होता है, लेकिन यहाँ पार्थिनोकार्पी, कार्पी मीन्स फ्रूट होता ही है, सच फ्रूट आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब ये देखिए इसका एग्जाम्पल आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि नेचुरली जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनता है वो बनाना फ्रूट होता है, इसमें ह्यूमन्स का कुछ रोल नहीं होता, ये बनाना इज वन सच एग्जाम्पल है। क्वेश्चन एक बार डायरेक्ट पूछा गया था कि नेचुरली पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन सा होता है, बनाना होता है, बनाना मीन्स केला जो सीडलेस होता है, कोई भी पार्थिनोकार्पिक बनेगा ना तो वो सीडलेस ही होगा, तो क्योंकि नेचुरली अगर बनेगा, जैसे एक था ना अंगूर की बात, ग्रेप्स की बात करें, अगर ग्रेप्स में क्या होता है ना, ये अगर आप कच्चे अंगूर देखेंगे तो उसमें सीड भी होता है, इसीलिए तो सीडलेस नहीं होता अंगूर, क्योंकि ये नेचुरली पार्थिनोकार्पिक नहीं होता है। जैसे देखिए आगे अभी होगा, पार्थिनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस थ्रू द अप्लाई केवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन, कुछ हार्मोन के द्वारा भी किए जाते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनाए जाते हैं, सच फ्रूट आर सीडलेस, तो ये चीज़ हो जाएगा। एडवांटेज, अभी आगे सब क्लियर भी होगा, आगे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपके। एडवांटेज देखिए एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एडवांटेज क्या है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इनडिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट नहीं होते हैं वाटर पे, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट सही चीज़ है, सिर्फ पॉलिनेशन वाटर पे डिपेंड होते हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स हो गए या फिर टेडोफाइट फर्टिलाइजेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं वाटर। सफिशियंट फूड रिजर्व फोटोसिंथेसिस ऑन द अराउंड, क्योंकि खुद फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना ही लेते हैं। ये देखिए सीड डिस्पर्जल से कुछ फायदा है, तो सीड डिस्पर्ज जो किया जाता है, फैलाया जाता है, छिड़काव किया जाता है, उसके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। अवॉइड कंपटीशन, अगर सीड डिस्पर्सल के कुछ एडवांटेज हैं तो अवॉइड कंपटीशन, इंक्रीज चांस ऑफ सर्वाइविंग विंटर, विंटर में ठंडी में ज़्यादा चांस होते हैं सर्वाइव करने के लिए। कोलोनाइज न्यू हैबिट, अपना खुद हैबिट बना लेते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ द स्पेसीज, तो ये एडवांटेज हैं। नेक्स्ट चलिए हम लोग देख लेते हैं फॉल्स फ्रूट,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। जो फ्लावर्स का एम्ब्रियो होता है ना, अगर उससे फ्रूट बनता है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। और फ्लावर के एम्ब्रियो को छोड़ के किसी और से अगर फ्रूट बन गया ना तो उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो ये देखिए, फ्लावर्स के अलग पार्ट से थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन, तो उसमें एप्पल होता है, इसका एग्जाम्पल है। तो फॉल्स फ्रूट आप डायरेक्ट ये तीन एग्जाम्पल रट लीजिए, एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू, काजू। तो ये तीन एग्जाम्पल आप लोग रट लीजिए कि फॉल्स फ्रूट, ये तीन एग्जाम्पल रटे होने चाहिए। फ्रूट में ओवरी के अलावा, अगर ओवरी के अलावा दूसरे कोई भी फ्रूट हो तो अगर कोई भी फ्रूट हो ओवरी के अलावा दूसरे प्लांट के स्ट्रक्चर से अगर क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, तो उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे किसी भी फ्रूट के थैलेमस से अगर मान लीजिए बन गया फ्लावर, तो फ्रूट बन गया तो चीज़। नेक्स्ट देखिए, फ्रूट में भी फ्लेसी, कुछ फ्रूट जो होते हैं, फल जो होते हैं, वो फ्लेसी होते हैं, मतलब रसीले टाइप होते हैं। जैसे गावा हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, ये सब एनसीईआरटी में दिए गए हैं और सब बार बार पूछे जाते हैं कि ऐसे फ्रूट बताइए जो रसीले फ्रूट होते हैं, फ्लेसी फ्रूट। तो ये तीन एग्जाम्पल रट लीजिए। और कुछ फ्रूट ड्राई फ्रूट होते हैं, तो ग्राउंड नट और मस्टर्ड, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं। ये देखिए, कुछ ओव्यूल्स के बारे में देख लेते हैं। ओव्यूल जो होता है, इंटीगुमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन ऑफ टफ एंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। द माइक्रोपाइल रिमेन्स आर द स्मॉल पोर्स इन द कोट, द फैसिलेटेड एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, जो ओव्यूल्स, ये देखिए, ऑक्सीजन, वाटर एंड सीड, सीड में जो माइक्रोपाइल होता है उसका काम ऑक्सीजन एंड वाटर का एंट्री करना, क्योंकि सीड जर्मिनेट करेगा, तो माइक्रोपाइल का फंक्शन सीड में जर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये देखिए, अगर ओव्यूल्स में बात करें माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या होता है, तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, और सीड में बात करेंगे तो ये देखिए, सीड के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन और दिया गया है कि ड्राई सीड जो होता है उसमें मॉइस्चर कितना होता है, पूरे सीड का जो मास होता है उसमें जो मॉइस्चर का परसेंटेज होता है वो 10-15% होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट चलिए हम लोग पेरी स्पर्म देख लेते हैं और इंडो स्पर्म, ये पूरा देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो पेरी स्पर्म क्या होता है, पहले तो यही पता होना चाहिए कि पेरी स्पर्म जो न्यूसलस, किसी भी सीड में जो परसिस्टेंट न्यूसलस होता है ना, फूड जो रिजर्व करता है, उसी को पेरी स्पर्म कहते हैं। जैसे ब्लैक पेपर हो गया, बीट हो गया, जैसे एग्जाम्पल दिया गया, अभी चलिए पढ़ लेते हैं। पेरी स्पर्म क्या होता है, इट रिप्रेजेंट परसिस्टेंट रिमेन्स ऑफ न्यूसलस, जो न्यूसलस का पार्ट बचा हुआ होता है उसी को पेरिस्पर्म कहते हैं। ये देखिए, पेरिस्पर्म इन द सीड, सीड में पेरिस्पर्म होता है। अब इंडोस्पर्म क्या है, इट डेवलप फ्रॉम प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, इट इज पार्ट दैट बिलोंग टू सीड, ये पेरिस्पर्म किसका पार्ट होता है, सीड का। इट कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल, इंडोस्पर्म क्या करता है, फूड को रिजर्व करता है। नेक्स्ट, पेरी स्पर्म इट इज यूजली ड्राई, ये ड्राई के फॉर्म में होता है। इट इज यूजली इन फ्लूड फॉर्म आर सॉफ्ट, फ्लूड फॉर्म में होता है और सॉफ्ट भी होता है। अब पेरी स्पर्म का एग्जांपल देख लीजिए, ब्लैक पेपर क्या किसको कहते हैं, जो काली मिर्च होती है ना उसी को ब्लैक पेपर कहते हैं, और बीट चुकंदर। तो ब्लैक पेपर और चुकंदर क्या है, पेरी स्पर्म है। अब चुकंदर का मतलब ये नहीं कि जो हम लोग सलाद के रूप में खाते हैं वो नहीं, बीट जो चुकंदर है ना उसका सीड होना चाहिए, उसमें उसके सीड में पेरी स्पर्म पाया जाता है। और ब्लैक पेपर जो होता है, काली मिर्च जो होती है, पेरी स्पर्म होती है। और इसका एग्जाम्पल अगर इंडोस्पर्म की बात करेंगे तो वाटर ऑफ कोकोनट, पी, बीन्स, ये सब होते हैं। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पोर्शन से कि कौन से नॉन एल्बुमिनस सीड हैं और कौन से एल्बुमिनस सीड हैं। तो नॉन एल्बुमिनस का पहले देख लीजिए, नो रिसिडिवल इंडोस्पर्म एट इज कम, जो इंडोस्पर्म जैसे मान लीजिए बीन हो गया, अभी ये देखिए पी मीन्स मटर, आप मटर के दाने ऐसे ले लीजिए तो उसमें देखेंगे जो अंदर इंडोस्पर्म होता है ना वो पूरा कंज्यूम हो जाता है, किसमें, एम्ब्रियो के बनने में। तो कंप्लीटली कंज्यूम इम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान जो इंडोस्पर्म होता है पूरा कंज्यूम हो जाना, कोई भी थोड़ा सा भी नहीं, इंडोस्पर्म कुछ बचेगा नहीं, तो उसको कहेंगे नॉन एल्बुमिनस सीड। अब नॉन एल्बुमिनस सीड मोनोकॉट भी होता है, डाइकॉट भी होता है। उसका एग्जांपल, नॉन एल्बुमिनस सीड में पी और ग्राउंड नट एकदम रट लीजिए, और एल्बुमिनस सीड में ये देखिए व्हीट, मेज, बार्ली एंड कैस्टर, ये एकदम रट लीजिए। और अभी आर्किड भी आएगा जो कि नॉन एल्बुमिनस होता है, यही एक मोनोकॉट भी है, वो भी लिख सकते हैं नॉन एल्बुमिनस में मोनोकॉट आर्किड, ORCHID, ये भी लिख लीजिए, ये भी एग्जाम्पल ही होते हैं। ये देखिए,
सम सीड सच एज ब्लैक पेपर बीट रिमेनेंट्स ऑफ न्यूसलेस आर आल्सो परसिस्टेंट द रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसलेस इज द पेरिस्पर्म। अभी ये मैंने सब डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट ये देखिए सीड, ये भी देख लीजिए क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सीड के अंदर एम्ब्रियो मैच्योर जायगोट, ये देखिए न्यू प्लांट सीडलिंग, फर्टिलाइज ओव्यूल को, क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि फर्टिलाइज ओव्यूल्स को क्या कहते हैं, तो सीड कहते हैं। ये देखिए सीड कोड बनाता है, टेस्टा आउटर सीड का इनर, ऐसे देखिए जो मैंने ये बनाया है पूरा ऐसे देखेंगे तो एकदम कन्फर्म हो जाएगा। सीड में सीड कोट होता है, तो मैंने काफ़ी बार बताया भी था कि सीड में क्या होता है, सीड में सीड कोट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि एक दो बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं ना, तो क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन पूछेंगे वो सब टॉपिक हम लोग पूरा कवर ही कर रहे हैं, तो कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। तो आप देखिए जैसे आप लिख सकते हैं, ये देखिए सीड, ऐसे आप लिख लीजिए सीड में सीड कोट होता है। ये देखिए अब सीड कोट क्या होता है, जैसे टेस्टा टेगमेंट एम्ब्रियो, सीड में एम्ब्रियो भी होता है, तो सीड कोट में जो आउटर लेयर होती है उसको टेस्टा बोलते हैं और जो इनर लेयर होती है उसको टेगमेन बोलते हैं, और एम्ब्रियो में कॉटिलीडन्स होता है, कॉटिलीडन्स एक फूड स्टोरेज लीफ ही होती है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है एम्ब्रियो में। तो ये देखिए कॉटिलीडन्स में, कॉटिलीडन्स किस में होता है, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में होता है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस में इपिकोटाइल जो ऊपर होती है और हाइपोकोटाइल जो नीचे होती है, तो ये पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ कॉटिलीडन्स, ये देखिए कुछ कैरेक्टर दिया गया है डाइकॉट एम्ब्रियो में और मोनोकॉट एम्ब्रियो में, कंपैरिजन कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। नंबर ऑफ कॉटिलीडन्स, कितने नंबर ऑफ कॉटिलीडन्स हैं, देयर आर टू कॉटिलीडन्स, किस में पाए जाते हैं, डाइकॉट एम्ब्रियो में कितने कॉटिलीडन्स, टू कॉटिलीडन्स पाए जाते हैं जो अटैच होते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस से, अभी मैं बताया था ऊपर, और मोनोकॉट में कितने कॉटिलीडन्स पाए जाएंगे, ओनली वन कॉटिलीडन्स अटैच टू एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये देखिए पोजिशन ऑफ प्लीम्यूल, अब पोजिशन ऑफ प्लीम्यूल अकर्स डिस्टली, डिस्टली होता है डाइकॉट में और ये लेटरली होता है मोनोकॉट में। पोजीशन ऑफ कॉटिलीडन्स अकर लेटरली होता है और इसमें कॉटिलीडन टर्मिनल पोजीशन पे होता है मोनोकॉट में। और कोलियोप्टाइल देख लीजिए, कोलियोप्टाइल डाइकॉट एम्ब्रियो में अब्सेंट होता है और इसमें देखिए प्लीम्यूल कॉल्ड कोलियोप्टाइल प्रेजेंट होता है। और ये देखिए कोलियोराइजा, कोलियोराइजा डाइकॉट एम्ब्रियो में अब्सेंट होता है और इसमें तो प्रोटेक्टिव शीथ प्रेजेंट ही होगा। अब स्क्यूटुलम देख लीजिए, डाइकॉट एम्ब्रियो में अब्सेंट है, इसमें सिंगल कॉटिलीडन होता है मोनोकॉट एम्ब्रियो में। और सस्पेंसर देखिए लार्ज होता है और इसमें स्मॉल होता है, वन सेल वाला होता है, इसमें 6 से 8 सेल वाले होते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो जो है एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक व्हेयर द जायगोट इज सिचुएटेड। ये देखिए फर्टिलाइज ओव्यूल को सीड कहते हैं, ये चीज हो गया है। ये देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि मीरोब्लास्टिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मीरोब्लास्टिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट किस में होता है, तो ये होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, हायर प्लांट में। ये देखिए होलोब्लास्टिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट किस में होता है, लोअर प्लांट में, जैसे ब्रायोफाइटा फ्यूनेरिया में, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है ये सब। नेक्स्ट हम लोग देखिए डबल फर्टिलाइजेशन, ये भी इसी वीडियो में क्लियर कर लेते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के पहले आपको एम्ब्रियो सैक पूरा पता होना चाहिए कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है ओव्यूल में प्रेजेंट होता है वो कैसे होता है। तो ये चीज़ अगर आपको क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन ये आप कर पाएंगे। जैसे आप सीड में जो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है उसका एक फिगर आप यहीं पे कहीं छोटा सा बना लेंगे तो आपको पूरा क्लियर रहेगा। जैसे ये आप बना लीजिए, अब इसमें 3 सेल बना लीजिए, 1, 2, 3 सेल बना लीजिए, अब और इसमें 1 सेल हो गया, 2 सेल हो गया, और एक आपका ये हो गया, और यहाँ आप एक ये बना लीजिए, एक ये बना लीजिए, 1 न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस, अब ये क्या हो गया, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ये आपका चलाजा एंड हो गया, अब चलाजा एंड हो गया, ये आपके 2 सिनर्जिड हैं, एक ये है, एक ये है, और ये क्या है, ये आपका यग है जो ऊपर वाला है, और ये आपका पोलर न्यूक्लिया सेंट्रल सेल है, ये दोनों मिला के सेंट्रल सेल हैं, और ये पोलर न्यूक्लिया है,
तो अगर अब यहाँ से आपका पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमिट आएगा, फिर आपका कहाँ से माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री कर सकता है, इंटीगुमेंट्री के चलाजोगैमी सभी जगह से आप एंट्री करा सकते हैं। तो हम चलिए माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री कराएंगे, फिर उसके बाद क्या ये सिनर्जिट्स में जाएगा और फर्स्ट मेल गैमिट, दो मेल गैमिट आते हैं पॉलन ट्यूब से, अगर फर्स्ट एग से मिलेगा तो सिंगैमी कहते हैं, इसी को फर्टिलाइजेशन हो जाएगा अगर इससे मिलेगा। और फिर उसके बाद दो पोलर ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन कहाँ, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट का, तो तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, फिर उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है और इसी क्रिया को दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार यहां से एक बार यहां से, तो डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अभी एकदम क्लियर हो जाएगा, जैसे देखिए दिन आप अच्छे से पढ़िए और फिगर को बना लीजिए, एनसीईआरटी खोल लीजिए, एनसीईआरटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और आप एनसीईआरटी में आप पेज नंबर आप उसमें देख लीजिएगा, शायद 26 पेज नंबर है एनसीईआरटी 12th का, तो वहाँ पे देखिए फिगर बना हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन दी न्यूक्लियाई। एक बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था और आपको 5 न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं। मैंने काफ़ी बार ये बताया है कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, तो 5 NUCLEI 5 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं, मतलब 5 न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं। ट्रिपल फ्यूजन में 3 न्यूक्लियस और सिंगैमी में 2 न्यूक्लियस, तो 3, 2, 5 दोनों मिला के होंगे। तो चलिए अभी ये एकदम क्लियर करते हैं। दी न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द मेल गैमेट्स आर रियलाइज इन द एम्ब्रियो सैक, वन मेल गैमेट्स दी न्यूक्लियाई या बोथ मेल गैमेट्स, जैसे ये पॉलन ट्यूब जो होता है दो मेल गैमेट लेके आता है, तो एक न्यूक्लियस इसके पास होता है, एक न्यूक्लियस इसके पास, वही चीज़ कह रहा है। वन मेल गैमेट्स फ्यूज विद द एग टू फॉर्म द डिप्लॉयड जायगोट, मैं बताया नहीं था कि ये यहाँ पे ये क्या हो गया, ये जो ये इससे अगर मिलेगा, ये क्या चीज़ है, ये आपका वो है, क्या चीज़ है, सेल है, तो इससे अगर मिलेगा तो फिर आप सिंगैमी बोलेंगे। सिंगैमी वही चीज़ तो जो बताया था मैंने, यग, इसको यग है, अब यग से क्या चीज़, ये चीज़ देखिए लिखा है, वन मेल गैमेट फ्यूज विथ यग, यग के साथ टू फॉर्म जायगोट बनाएगा, ये देखिए ऐसे आप लिख लीजिए, वन मेल गैमेट और यग, तो उसको क्या कहेंगे, जायगोट बना लेगा। दी प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सिंगैमी कहेंगे, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहेंगे या सिंगैमी कहेंगे। दिस सिंगैमी वाज डिस्कवर्ड बाई, एक साइंटिस्ट ने इस को, स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या खोजे थे, तो ये सिंगैमी को डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट ये देखिए, दी डिप्लॉयड जायगोट फाइनली डेवलप इंटू एम्ब्रियो, जो जायगोट है ना वो किसमें डेवलप होगा, एम्ब्रियो में। नेक्स्ट देखिए, दी अदर मेल गैमेट, जो एक अदर मेल गैमेट था वो फ्यूज किससे होगा, विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, जो सेंट्रल सेल है ना, दो पोलर न्यूक्लियाई है, अभी मैंने बताया था ना कि ये जो ये पूरा क्या था, ये एक सेंट्रल सेल था, उसमें कितने, दो पोलर न्यूक्लियाई था, अब यहाँ से गया इससे फ्यूज हो गया, तो इससे जब फ्यूज होगा आर सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो से दो न्यूक्लियस था तो फॉर्म क्या करेगा, बनाएगा ट्रिपल प्राइमरी एंडोस्पर्म, बनाएगा TPEN, ये देखिए ट्रिपल प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, PEN। ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है ये 3N होता है, क्योंकि दो न्यूक्लियस उसके सेंट्रल सेल के पास और एक न्यूक्लियस मेल गैमेट के पास, तो 3N इसीलिए बनाता है। लगातार डिवाइड करके फॉर्मेशन इंडोस्पर्म का बनता है, और ये चीज़ है, ये देखिए दी प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन आर वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी गैमेट, ये आप लिख सकते हैं, ये अच्छे से आप लिखिए ना, तभी एकदम क्लियर होगा। ये चीज़ देखिए, ये कहाँ पे है, ये देखिए सेकेंडरी मेल गैमेट के टू पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर रहा है और बना रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। दीज टू एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूट द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ये जो दोनों घटना हो रही है ना, एक सिंगैमी हो रहा है, एक ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, इसी दोनों घटना को क्या कहते हैं, ये देखिए सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन लिखा है, इसी घटना को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, इसी घटना को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ये देखिए लिखा गया यही लाइन। दीज टू एक्ट, कौन कौन से एक्ट, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन,
फर्टिलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूएंट दोनों मिलके द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, इसी क्रिया को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो नोवास्चिन ने 1898 ईस्वी में किया था। एंड गुइनार्ड इज लिलियम, अगर डायरेक्ट पूछ लिया कि लिलियम एक प्लांट है, लिलियम एक प्लांट है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन किस साइंटिस्ट ने देखा था, तो गुइनार्ड फर्टिलाइज प्लांट, ये देखिए लिलियम। तो ये चीज़ हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एनजियो स्पर्म ओनली, एनजियो स्पर्म प्लांट में ओनली डबल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ें तो पता भी हैं, ये डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट का करेक्टर ही होता है। प्रोवाइड डेवलपमेंट जायगोट, ये देखिए इनटू एम्ब्रियो, जायगोट से क्या बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, ये भी चीज़ें हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना को क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट मीन्स बाद में, और फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना। तो फर्टिलाइजेशन के बाद की कौन कौन सी घटना और क्या चीज़ होते हैं, ये चीज़ पढ़ना है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़ लेते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ओव्यूल्स से क्या बनता है, ओव्यूल्स इंटू ओव्यूल्स किस में चेंज होगा, सीड में, और ओवरी किस में चेंज होगा, फ्रूट में, ये चीज़ हो जाएगा। और ओवरी वाल इंटू फ्रूट वाल, ओवरी वाल किस में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे ओव्यूल था तो ओवरी में, ओव्यूल्स में ओवरी वाल था, अब क्या बन गया, अब ओवरी यहाँ देख लीजिए, ओवरी यहाँ है, ओवरी वाल था, अब फ्रूट फ्रूट में बन गया, तो ये इसमें फ्रूट वाल आ जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, फ्रूट वाल को क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि फ्रूट की लेयर ऊपरी वाली वाल को क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट एंडोस्पर्म देन एम्ब्रियो फॉर्म, पहले एंडोस्पर्म बनेगा फिर एम्ब्रियो का बनेगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड माइटोसिस, माइटोसिस होगा, क्योंकि पीएन क्या होता है, थ्री एन होता है, और थ्री एन हो गया, फाइव एन हो गया, फिर सेवन जो इवन वाले होते हैं, सेवन एन हो गया, इसमें तो आपका मियोसिस तो हो नहीं सकता, क्योंकि थ्री एन में हाफ जाके बनेगा ना, हाफ ही होता है, तो थ्री एन में हाफ कितना होगा, डेढ़, तो डेढ़ फेड़ बनता नहीं है, इसीलिए माइटोसिस हो रहा। माइटोसिस में देख लीजिए, दो में गया, यहाँ से दो से चार, यहाँ पे फ्री न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियेटेड न्यूक्लियस बनाया, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स ऑफ द एंडोस्पर्म, ये देखिए पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड होके ट्रिपल एंडोस्पर्म बनाएगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। तो ये चीज़, अब चलिए हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन तो हम लोग अच्छे से कर लिए थे ना, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन ये चीज़ें कर लिए थे, और अब हम लोग को कहाँ से करना है, हम लोग को करना यहाँ से है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से करना है। तो चलिए, वीडियो तो 32 मिनट की हो गई है ना, तो हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, और ज़रूर आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आप ही पहले अगर देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप प्लीज़ आप पहले वाली वीडियो, इसके पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि वीडियो तो दो घंटे एक घंटे का बना नहीं सकता, क्योंकि वीडियो तो छोटा होना चाहिए ना, क्योंकि आप लोग को तो वही चाहिए। तो चलिए छोटी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और यहाँ से पूरा हम लोग स्लाइड करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से, तो पूरा क्लियर करेंगे। तो बस यहीं पे था, और वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो एग्जाम तक मैं सब पूरा कवर करा दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और जितनी पुरानी वीडियो है ना, तो पहले तो वो रिवाइज जरूर करनी पड़ेगी, अगर आप मेरे चैनल से नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी और नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यही चीज़ था, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट एकदम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।